सत श्री अकाल पीबी बत्ती नवांशहर देख रहे हो दोस्तों। इस वेले की एक वड्डी खबर तुहाडे नाल बलाचौर तो सांझी करन जा रहे हैं। बलाचौर पुलिस नू एक वड्डी कामयाबी मिली है। बलाचौर पुलिस ने 1 किलो हीरोइन समेत एक दोषी नू काबू किया और इंटरनेशनल मार्केट में इस हीरोइन की कीमत 7 करोड़ रुपया दसी जा रही है। दस दिए जो पुलिस ने खुलासे किए उसके तहत पता चलता है कि यह दोषी कल अंसरों नाके दो बस में उतरदा। इसके कोल एक वजनदार बैग हुंदा ते पुलिस नू एक मुख बरखास्त जिहड़ा इतलाह करदा है कि यह व्यक्ति अज जाने कि 24 तरीक नू बलाचौर तो गढ़शंकर वल नू जा रहा था। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए जंडी मोड़ दे लागे इस दोषी नू दबोच लिया। इसके कोल एक वजनदार बैग मिलता जिस विच 1 किलो हीरोइन हुंदी है और 7000 ड्रग मनी भी जिहड़ी मौके पर बरामद हुई है। तो यह ताज़ा मामला बलाचौर तो तुहाडे सामने पेश कर रहे हैं। वड्डी कामयाबी पंजाब पुलिस नू मिली है, नवांशहर जिला शहीद भगत सिंह नगर की पुलिस नू मिली है, बलाचौर पुलिस नू मिली है और पंजाब पुलिस पब्बा भार है ता जो पंजाब विच्चों खास करके जिला शहीद भगत सिंह दे नगर विच्चों ये जिहड़े माड़े अंसर ने सोशल एंटी सोशल एलीमेंट ने इन्हां नू सलाखा दे पिछे कीता जावे क्योंकि असी खुद जाणदे हां कि इस नशे ने पंजाब नू गुतान वल तक घेलिया होया। तां हुण तुहानू मौजूदा तस्वीरां दिखावांगे क्योंकि SSP श्री भागीरथ सिंह मीना हुण मीडिया दे मुखातिब होणगे, होर वड्डे खुलासे उह करनगे कि किधरों आया सी, कित्थे जा के डिलीवरी करनी सी ड्रग दी और किहदे किहदे नाल लिंक जुड़े हुए ने और पहलां कोई परचा है कि नहीं है, यह असी प्रैस कॉन्फ्रेंस में जानते हैं। तो सीधा रुख करते हैं जिथे SSP श्री भागीरथ सिंह मीना मीडिया के मुखातिब हो रहे हैं। आज नवांशहर पुलिस को एक बहुत वड्डी कामयाबी मिली है। जदों SHO काठगढ़ रिगार्डिंग 26 जनवरी माड़े अंसर की चैकिंग वास्ते एरिए दे विच गश्त कर रहे थे तो जत्तेवाल मोड़ काठगढ़ के नेड़े से तो उन्होंने एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आई कि एक गगनदीप उर्फ गगन हैगा जो हैरोइन सप्लाई का काम करता हैगा, वो कल शाम को जो साडा हाईटेक नाका आसरो है उत्थे पुलिस ने देखे बस से नाके से थोड़ा पहले उतर गया और वो काठगढ़ थाने के एरिए दे विचों होंदा होया गढ़शंकर अपना माल लेके जाएगा। उस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे काठगढ़ पुलिस ने अंडर NDPS एक्ट FIR दर्ज की थी। उसके बाद में आज फिर ये पूरे एरिया दे विच सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ सी, पूरी ह्यूमन इंटेलिजेंस लगाई हुई सी तो प्रॉम्प्टली एक्शन करके और SHO काठगढ़ ने और DSP बलाचौर दविंदर सिंह जी ने बहुत छेती उस बंदे नू काबू करन दे विच सफल हुए हैगे। नेड़े जंडी मोड़ हैगा उत्थों उस बंदे नू काबू किया हैगा, उसके कोलों एक बैग हैवी वेट का सी तो उसने रोक के चेक किया गया तो उदे विच्चों 1 किलो हैरोइन बरामद हुई हैगी। ये बंदा आगे गढ़शंकर एरिया दे विच जाके इस हैरोइन की सप्लाई करना सी, इसने इहदे कोलों 7000 रुपये ड्रग मनी भी रिकवर हुई हैगी। इसका असी आज रिमांड पेश करके लेंगे, उसके बाद में इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैगे वो एस्टेब्लिश करेंगे कि ये जो सप्लाई सी ये कितों लेके आया हैगा और इसने आगे इसको कितने डिलीवर करना सी। तो ये नवांशहर पुलिस की आज 26 जनवरी के चेकिंग के संबंध में विच जो पुलिस एक्टिव सी उसी संबंध में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। एज ऑफ नाउ असी क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया हैगा तो अभी कोई निकला नहीं है, फिर भी हम इसके कंसर्न जो जाकर रहने वाला है वहाँ से असी वेरीफाई करवा रहे हैं कि इसके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। बड़ा मोहल्ला गढ़शंकर से बिलोंग करता है। देखो वही असी अभी आज ही पकड़े हैगा, अभी रिमांड लेके वही सब चीज़ असी एस्टेब्लिश करेंगे कि पहले भी इसने सप्लाई की थी तो क्यों नहीं फड़ा गया, कितने के सप्लाई की थी है, कितनी बार सप्लाई की थी और किसने सप्लाई करने जा रहा है, कितों लेके आया। वो सारा रिमांड लेके यही चीज़ें पूछताछ की जाती हैं बाद में, जब 3 दिन का या 2 दिन का जितना भी रिमांड मिलता है उसमें सारी चीज़ें ये ऐसी ऑन पेपर लेके आते हैं कि ये पूरा कितने गया सर। सर इकल्ला ही सीगा जी कल की? हाँ जी अकेला सी। हाँ सर कितनी इंटरनेशनल मार्केट में कितनी कीमत होगी? तो मार्केट का देखो वक्त वक्त कीमत है उसमें ऐसी डिस्क्राइब नहीं करते हैं। है जी कोई साधन नहीं? नहीं जी साधन नहीं, बस में से उतर गया ऐसे ना तो इसलिए पैदल ही सी, साधन नहीं सी। हाँ जी हाँ।